दोस्तों कई बार व्यापार में परचेज और सेल्स की एंट्रीज करते समय एक ही स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर या नापतोल की इकाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि किसी स्टॉक आइटम की यूनिट कभी दर्जन में दी होती है तो कभी नंबर में या पीसेज में, कभी यूनिट्स को टिन में दिया होता है तो कभी उसी स्टॉक आइटम के लिए यूनिट को लीटर में दिया होता है, कभी ऑयल आदि की खरीदी की यूनिट गैलन में दी होती है तो कभी लीटर में। और नए स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या तब हो जाती है जब एक ही स्टॉक आइटम के लिए यूनिट कभी बॉक्स में दी जाती है, कभी दर्जन में और कभी नंबर या पीसेज में। तो इन सभी के लिए टेली में जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं, आज की क्लास में मैं सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेली में अल्टरनेट यूनिट, टेली में कंपाउंड यूनिट, कंपाउंड यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का प्रयोग और अल्टरनेट यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का प्रयोग। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे अच्छे से समझने के लिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। यहाँ कई ऐसी जानकारियां देने वाला हूँ जो आप में से कई लोग पहले से नहीं जानते होंगे। दोस्तों मैं हूँ अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्लास 5 का यह सेकंड पार्ट है और इस क्लास के पहले पार्ट में मैं टेली में स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर बनाना डिटेल में बता चुका हूँ। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में पहले हम टेली में अल्टरनेट यूनिट को समझ लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कंपाउंड यूनिट और फिर उसके बाद कंपाउंड यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का प्रयोग और अल्टरनेट यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का प्रयोग। दोस्तों अल्टरनेट यूनिट में आप किसी स्टॉक आइटम के लिए दो सिंपल यूनिट या एक सिंपल और एक कंपाउंड यूनिट या दोनों कंपाउंड यूनिट्स को ले सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इन्वेंटरी इन्फो पर एंटर कर देता हूं और फिर यूनिट्स ऑफ मेजर पर और इसके बाद क्रिएट पर एंटर कर देता हूं। यहां सबसे पहले नंबर या पीस के नाम से एक सिंपल यूनिट बना लेते हैं, सिंबल में एनो टाइप कर देते हैं और फॉर्मल नेम में इसके लिए पूरा नाम नंबर एंटर कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में 0 ही रहने देते हैं और इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट बना लेते हैं डजन या दर्जन, इसके लिए सिंबल में DZ ले लेते हैं और फॉर्मल नेम में डजन टाइप कर देते हैं। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में 3 ले लेते हैं, इसे भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। तो हमने दो सिंपल यूनिट बना ली है और अब एस्केप की प्रेस करके वापस से इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू पर आ जाते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, इसके लिए स्टॉक आइटम्स पर एंटर करके क्रिएट पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ और वह फेयर एंड स्मार्टी क्रीम, एलियस में FSC एंटर कर देता हूँ। क्लास 2 में एलियस को डिटेल में समझाया जा चुका है। अंडर में अभी प्राइमरी ही रहने देते हैं और यूनिट्स में पहले से बनाई हुई यूनिट नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पर अभी अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए F12 की प्रेस करके स्टॉक आइटम के कॉन्फिग्रेशन को खोल लेते हैं। यहाँ पर यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम को यस पर सेट कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन दिखाई देने लगा है। यहाँ पर मैं डजन ले लेता हूँ और टेली को बता देता हूँ कि एक दर्जन बराबर 12 नंबर हैं। ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी में मेरे पास 3 दर्जन क्रीम रखी है जिनका भाव 120 रुपए प्रति दर्जन है। अब मैं यहाँ पर 3 टाइप करके एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 दर्जन के बजाय टेली ने 3 नंबर ले लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई पहली यूनिट नंबर थी। ऐसी दशा में इसे सुधार कर 3 और दर्जन के लिए D एंटर कर देता हूँ। चूंकि मेन यूनिट नंबर है इसलिए टेली ने इसे नंबर में कन्वर्ट करके 36 ले लिया है और नीचे ब्रैकेट में अल्टरनेट यूनिट डजन्स में बता रहा है। रेट में 120 लिखकर एंटर की प्रेस करने पर टेली ने एक नंबर या एक पीस का रेट 120 रुपए मान लिया है और कैलकुलेट करके 36 पीस की वैल्यू 4320 रुपए निकाल ली है, किंतु यह भाव 120 रुपए प्रति दर्जन का है। इसलिए यहाँ पर मैं पर में D लिखकर एंटर की प्रेस कर देता हूँ जिससे टेली को यह पता चल जाता है कि यह भाव प्रति दर्जन का है और टेली ने 3 दर्जन का मूल्य 360 रुपए कैलकुलेट कर लिया है। इस स्टॉक आइटम को सेव कर लेते हैं और इसके लिए हम एक एंट्री कर लेते हैं। तो एस्केप की प्रेस करके इसके लिए पहले हम गेटवे ऑफ टेली पर चले जाते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर कर देते हैं और चूंकि अभी वाउचर टाइप पेमेंट है इसके लिए F9 की प्रेस करके वाउचर टाइप को परचेज वाउचर टाइप में चेंज कर लेता हूँ। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट और पार्टी का नाम आदि लेने के बाद परचेज अकाउंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में फेयर एंड स्मार्टी क्रीम के लिए दिया गया एलियस FSC एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि टेली ने इसका पूरा नाम ले लिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3.5 दर्जन क्रीम खरीदी है और हम कैलकुलेशन में उलझना नहीं चाहते हैं कि टोटल कितने नंबर हुए, तो हमने यहाँ पर 3.5 एंटर कर दिया है और दर्जन के लिए D एंटर करना नहीं भूलना है। आप देख सकते हैं कि टेली ने इसे नंबर में कन्वर्ट करके 42 कर दिया है। मैं इसका प्रति नग या प्रति नंबर का भाव 8.33 एंटर कर देता हूँ और अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसी स्टॉक आइटम को दोबारा से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने 49 क्रीम खरीदी हैं, तो क्वांटिटी में 49 ले लेता हूँ और रेट है प्रति दर्जन 99 रुपए 96 पैसे।
तो यहाँ पर रेट के बाद यूनिट में दर्जन के लिए डी एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि टेली ने 49 क्रीम का अमाउंट कैलकुलेट करके निकाल लिया है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि अल्टरनेट यूनिट से हमारा काम कितना आसान हो गया है। हम चाहें तो मेन यूनिट में क्वांटिटी एंटर करें, चाहें तो अल्टरनेट यूनिट में। किंतु यहाँ पर एक समस्या है, अल्टरनेट यूनिट में जब हम दो सिंपल यूनिट का यूज कर रहे होते हैं, हम क्वांटिटी में या तो मेन यूनिट को ले सकते हैं या फिर अल्टरनेट यूनिट को। कहने का मतलब यह है कि या तो हम दर्जन में यूनिट ले सकते हैं या फिर नंबर या नग में। यदि हमें परचेज या सेल्स में मिक्स्ड क्वांटिटी दी गई होती है तो हमें उसे किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। मान लीजिए कि दिया हो 4 दर्जन और 7 पेन खरीदे, तो हमें या तो पूरी क्वांटिटी को दर्जन में कन्वर्ट करना होगा या फिर नग या नंबर में। इसमें हमारा काफी समय खराब हो सकता है। तो टेली में इसका सबसे अच्छा समाधान है कंपाउंड यूनिट। और अब हम सीखेंगे कंपाउंड यूनिट। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि कंपाउंड यूनिट दो अलग अलग यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें दो अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर एक यूनिट बनाई गई होती है। और यह कैसे किया जाता है इसे समझने के लिए हम फिर से यूनिट्स ऑफ मेजर पर एंटर करके क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम फिर से दो अलग अलग सिंपल यूनिट्स बना लेते हैं। पहली यूनिट है टिन, तो सिंबल में टी एंटर करके फॉर्मल नेम में टिन एंटर कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने देते हैं और इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगली यूनिट बना लेते हैं लीटर, तो इसके लिए सिंबल में एल एंटर करके फॉर्मल नेम में लीटर एंटर कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने देते हैं और इसे भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हमें बनानी है कंपाउंड यूनिट। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर टाइप में दिखाई दे रहा है सिंपल, इसे चेंज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ टेप की प्रेस करके भी टाइप्स ऑफ यूनिट पर जा सकते हैं। यहाँ से आपको लेना है कंपाउंड। इसके बाद फर्स्ट यूनिट में आपको लेना है वह यूनिट जो दोनों यूनिट्स में से बड़ी हो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टिन। कन्वर्जन फैक्टर में 16 ले लेते हैं और सेकंड यूनिट में लीटर ले लेते हैं। इससे टेली को पता चल जाता है कि हमारा टिन या डिब्बा 16 लीटर की पैकिंग का है। इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए एक कंपाउंड यूनिट और बना लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में डजन ले लेते हैं, कन्वर्जन फैक्टर में 12 लेकर सेकंड यूनिट में नंबर ले लेते हैं। इससे टेली को पता चल जाता है कि एक दर्जन में 12 नंबर होते हैं या एक दर्जन 12 नंबर के बराबर है। इसे भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कंपाउंड यूनिट्स बना ली हैं। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है और इसके लिए एस्केप की प्रेस करके वापस से इन्वेंटरी इन्फो मेन्यू पर आ जाते हैं। स्टॉक आइटम्स पर एंटर करके क्रिएट पर एंटर कर देता हूँ। अब जो स्टॉक आइटम बना रहा हूँ वह है ग्राउंडनट ऑयल या मूंगफली का तेल। तो नाम एंटर करने के बाद एलियस में GO टाइप कर लेता हूँ और अंडर में प्राइमरी ही रहने देता हूँ। यहाँ पर यूनिट्स में हमें अभी बनाई गई कंपाउंड यूनिट टिन ऑफ 16 लीटर्स को लेना है। यदि हम अल्टरनेट यूनिट्स को नहीं लेना चाहें तो नॉट एप्लीकेबल रहने दें या F12 की प्रेस करके यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम को नो पर सेट कर सकते हैं। मैं इसे नॉट एप्लीकेबल रहने देता हूँ और मान लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में ऑयल के 12 टिन है और 5 लीटर ऑयल खुला रखा है, तो हमें यहाँ पर 12 डेज 5 टाइप करना होगा। याद रखें दोनों यूनिट्स को अलग अलग बताने के लिए डेज का यूज करना है, डॉट पॉइंट या डेसिमल का यूज नहीं करना है। यदि आप यहाँ पर 12.5 एंटर करते हैं तो टेली यह नहीं मानेगा कि आपकी क्वांटिटी 12 टिन और 5 लीटर है, बल्कि टेली यह समझेगा कि आपकी क्वांटिटी 12.5 टिन है, मतलब 12 टिन पूरे और 1 टिन आधा यानी 8 लीटर, क्योंकि हमारा 1 टिन 16 लीटर का है। तो 0.5 को यह आधा टिन मानकर उसे 8 लीटर कैलकुलेट कर लेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि दोनों यूनिट्स को अलग अलग दिखाने के लिए हमें सेपरेटर के रूप में डेज का यूज करना है। रेट मान लेते हैं 145 रुपए प्रति लीटर है, तो रेट में 145 और यूनिट में एल ले लेते हैं। यदि भाव प्रति टिन दिया होता तो यहाँ पर टिन लेना होता। टेली ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं और वह है पेन। यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम एंटर करने के बाद अंडर में प्राइमरी ही रहने देते हैं। यूनिट्स में अभी बनाई गई कंपाउंड यूनिट डजन ऑफ 12 नंबर्स को ले लेते हैं। अल्टरनेट यूनिट्स को नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 15 दर्जन और 7 पेन रखे हैं, तो हमें यहाँ पर 15 डेज 7 टाइप करना होगा। रेट मान लेते हैं 96 रुपए प्रति दर्जन है, तो रेट में 96 और यूनिट्स में डी ले लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेली ने 15 दर्जन और 7 पेन कुल मिलाकर 187 पेन की वैल्यू 8 रुपए प्रति पेन या 96 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कैलकुलेट कर ली है। इसे भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। एक उदाहरण की मदद से कंपाउंड यूनिट को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि महेश ट्रेडर्स को 2 टिन और 3 लीटर तेल बेचा 160 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 3 दर्जन और 8 पेन बेचे 9 रुपए 50 पैसे प्रति पेन के भाव से। तो सबसे पहले तो F8 की प्रेस करके वाउचर टाइप को बदलकर सेल्स में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर और पार्टी का नाम आदि लेने के बाद सेल्स का लेजर ले लेते हैं। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में ग्राउंडनट ऑयल ले लेता हूँ।
चूंकि 2 टिन और 3 लीटर तेल बेचा जा रहा है इसलिए क्वांटिटी में 2-3 एंटर कर देता हूँ। एक बार फिर याद दिला दूं कि दोनों यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए डेज का यूज करना है न कि पॉइंट का। भाव 160 रुपए ले लिया है और पर में लीटर के लिए एल एंटर कर दिया है, नहीं तो यह प्रति टिन का भाव मान लेता। टेली ने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है, इसे यहीं थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने फिर से एक बार नेम ऑफ आइटम में ग्राउंडनट ऑयल ले लिया है। मान लीजिए हमें दोनों यूनिट्स टिन और लीटर अलग अलग नहीं दी होती और सिर्फ यह पता होता कि 35 लीटर तेल बेचा है, ऐसी स्थिति में भी हमें इसे मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें टेली को सिर्फ यह बताना होगा कि 35 लीटर तेल बेचा है और इसके लिए हमें क्वांटिटी वाले फील्ड में 35 के साथ एल भी एंटर करना होगा। आप देख सकते हैं कि टेली ने खुद ही यहाँ पर क्वांटिटी में 2-3 ले लिया है, जिसका अर्थ है 2 टिन और 3 लीटर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी में 0-35 एंटर कर दें, तो भी टेली उसे टिन और लीटर में अलग अलग कर लेगा। यदि उदाहरण में रेट लीटर के बजाय टिन का दिया हो तो हमें भी टिन का ही रेट देना होगा। मान लीजिए रेट दिया है 2560 रुपए प्रति टिन, तो हम भी यहाँ पर वही रेट ले लेंगे और टेली यहाँ भी कैलकुलेट करके वही अमाउंट ले लेगा। चूंकि मैंने दोबारा से ग्राउंडनट ऑयल सिर्फ समझाने के लिए लिया था, यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। अब नेम ऑफ आइटम में पेन ले लेता हूँ और क्वांटिटी में 3-8 ले लेता हूँ। रेट में 9.5 ले लेता हूँ, जो प्रति पेन का रेट है, इसलिए यूनिट में नंबर ले लिया है। टेली ने 3 दर्जन और 8 पेन, कुल 44 पेन का मूल्य 9.50 रुपए के हिसाब से 418 रुपए निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे हम क्वांटिटी कंपाउंड यूनिट्स में दें या अलग अलग यूनिट्स में, रेट चाहे टिन में दें या लीटर में दें, दर्जन में दें या नंबर में, टेली बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है, जिससे कि हमारा काफी समय बच जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का यूज कैसे करें। तो इसके लिए पहले इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करें, इसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजर पर और उसके बाद क्रिएट पर एंटर कर दें। यहाँ पहले एक सिंपल यूनिट बना लेते हैं, इसके लिए हम वापस टाइप पर जाते हैं और यहाँ से सिंपल ले लेते हैं। चूंकि हम एक यूनिट बनाने वाले हैं बॉक्स, तो इसके लिए सिंबल में बी एंटर कर देते हैं और फॉर्मल नेम में बॉक्स एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। अब फिर से बैक स्पेस की प्रेस करके टाइप को कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। अब बना लेते हैं मिक्स्ड कंपाउंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में बॉक्स ले लेते हैं और कन्वर्जन फैक्टर 6 ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट में पहले से बनाई हुई कंपाउंड यूनिट डजन ऑफ 12 नंबर्स ले लेते हैं। इससे टेली को यह पता चल जाता है कि हमारा एक बॉक्स 6 दर्जन का है और 1 दर्जन में 12 नंबर है। अब एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं वॉशिंग सोप या कपड़े धोने का साबुन। यूनिट्स में बॉक्स ऑफ 6 डजन ऑफ 12 नंबर्स ले लेते हैं। अल्टरनेट यूनिट को नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। चूंकि यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब इसके लिए भी हम एक एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर कर देते हैं और इसके बाद F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर टाइप्स ले लेते हैं। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट और पार्टी का नाम आदि लेने के बाद परचेज अकाउंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में वॉशिंग सोप ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमने 4 बॉक्स 3 दर्जन और 5 साबुन खुले खरीदे हैं। इस प्रकार कुल हमने 329 साबुन खरीदे हैं, तो क्वांटिटी में 4-3-5 ले लेते हैं। रेट में प्रति साबुन का रेट 20 रुपए एंटर कर देते हैं और चूंकि रेट प्रति साबुन का दिया हुआ है तो यहाँ पर में नंबर के लिए एन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टेली ने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसी आइटम को एक बार और ले लेता हूँ और इस बार सीधे ही 329 एन एंटर कर देता हूँ। इसने खुद ही बॉक्स दर्जन और नंबर अलग अलग कर लिए हैं। या मैं 0-0-329 भी एंटर कर सकता हूँ और नंबर के लिए एंटर नहीं करूं तो भी टेली खुद ही बॉक्स दर्जन और नंबर अलग अलग कर लेगा। दोस्तों अब बताने वाला हूं आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण भाग और वह है अल्टरनेट यूनिट में मल्टीपल यूनिट्स का प्रयोग। इसके लिए हमें एक स्टॉक आइटम और बनाना होगा, तो पहले हम इन्वेंटरी इन्फो पर एंटर कर लेते हैं, इसके बाद स्टॉक आइटम पर जाकर एंटर कर लेते हैं और इसके बाद फिर क्रिएट पर एंटर कर लेते हैं। अब जो स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसका नाम ले लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, अंडर में प्राइमरी ही रखना है। यूनिट्स में पहले से बनाई हुई यूनिट गैलन ले लेते हैं और अल्टरनेट यूनिट में टिन्स ऑफ 16 लीटर्स ले लेते हैं। अब हमें टेली को यह बताना होगा कि कितने लीटर एक गैलन के बराबर होते हैं। यहाँ पर मैं 3.7854 एंटर कर देता हूँ। वैसे तो एक गैलन 3.7854 लीटर का होता है, किंतु टेली हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 4 अंक ही लेने देता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 4 अंक ही ले रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी में 50 गैलन ले लेता हूँ, तो इसने टिन व लीटर में कैलकुलेट करके बता दिया है कि ये 11 टिन और 13 लीटर के बराबर हैं। चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट ही ले पाए हैं, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर संभव है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यूनिट ऑफ मेजर को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हों तो कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।